गाइज, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका प्लान है सुपर बाइक खरीदने का, या आपको सुपर बाइक्स अच्छी लगती है, मतलब आपका ड्रीम है कि आप कभी जा करके सुपर बाइक खरीदना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टू द एंड। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, हो सकता है आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगे जो आपको पहले पता ना थी। दिस इज़ योर बॉय द ब्रोकन बाइकर, वेलकम बैक टू माई अनदर वीलॉग। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा था कि मैं एक बार ऐसा एक वीलॉग बना लूँ, बिकॉज जो चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी सुपर बाइक्स के बारे में, तो आई थिंक अब वो चीज़ें मुझे पता लगने लगी हैं। जैसे कि नंबर वन, जब भी अगर आपका प्लान है सुपर बाइक खरीदने का, मेक श्योर यू डू अ थरो रिसर्च कि आपके बजट में कौन सी सुपर बाइक फिट बैठती है, उसके सारे स्पेक्स को रीड कर लेना, स्टडी कर लेना एक बार, उसके बाद ही डिसाइड कर लेना। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड करा था कि आई विल बाय दिस कावासाकी Z900। सो फार इट हैज़ बीन एन एक्सेलेंट डिसीजन, बिकॉज दिस इज़ अ ऑसम बाइक। आप चाहो तो इसको हाईवेज पे चला सकते हो, हाई स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ट्रैफिक में भी चला सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और अगर आपके पास में सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है जो कि आपकी सुपर बाइक होने वाली है, तो आपको अपना डिसीजन रिकन्सिडर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि आप Z900 को या ऐसी किसी सुपर बाइक को लेकर के रोज़ ऑफिस आओगे जाओगे, डेली कम्यूट के लिए उस बाइक को यूज़ करोगे, तो देन यू आर मिस्टेकन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप दिल्ली जैसी ट्रैफिक में आप सुपर बाइक्स को रोज़ नहीं चला सकते। इसीलिए यू वुड रियलाइज़ कि जितने भी सुपर बाइकर्स हैं, जितना भी जो ग्रुप में चलाते हैं, दे ईदर गो फॉर राइड्स अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग्स, या बहुत लेट नाइट में जाते हैं राइड करने को, बिकॉज सो दैट आपको ट्रैफिक में ना रुकना पड़े और आपकी बाइक ओवरहीट ना हो। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। मेरे पास भी, आई डोंट यूज़ दिस फॉर माई डेली कम्यूट। मेरे पास एक और बाइक है, डोमिना 400 है मेरे पास में, जिसको मैं डेली कम्यूट के लिए यूज़ करता हूँ, ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा प्लान है कि आप सुपर बाइक लेना चाह रहे हो, बट अगर इफ़ इट्स गोइंग टू बी ओनली बाइक, या ऑब्वियसली अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो या कैब से ट्रैवल करते हो, देन इट डजंट मैटर। बट अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आप सुपर बाइक लेकर के उसको ऑफिस रोज़ लेके जाओगे, रोज़ ले आओगे इतने ट्रैफिक में, तो आई थिंक यू विल हैव ट्रबल। ट्रबल इन द सेंस कि इतनी गर्मी में आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, दैट इज़ वन थिंग। और आप जितना किलोमीटर्स बाइक चलाओगे, जितना आपका माइलेज बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। दैट इज़ पॉइंट नंबर टू जो आपको दिमाग में रखना चाहिए सुपर बाइक खरीदने से पहले, कि भाई हाथी खरीदना एक चीज़ है और उस हाथी को पालना इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। और ये जो सुपर बाइक्स हैं, ये आपके किसी हाथी से कम नहीं है। आपने अगर आपके पास में अच्छा खासा बजट भी हो गया और आपने अच्छी सी बाइक भी ले ली उसके बावजूद, लेकिन इनको मेंटेन करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत फाइनेंशियली भी डिफ़िकल्ट होता है, और आपको मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मेरा सर्विसिंग का टाइम कब आ रहा है और बाकी सब चीज़ें मेंटेनेंस कब करवानी है, क्या करवाना है। तो दैट इज़ अनदर रीज़न, कोई भी सुपर बाइक खरीदने से पहले मेक श्योर उसका कॉस्ट आप देख लो एक बार, और उसके बाद आप ये भी जान लो कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा होने वाला है। आई वुड सजेस्ट कि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ एन इशू फॉर यू गाइज, आई वुड सजेस्ट कि बाय समथिंग फ्रॉम होंडा CBR 650 R ले सकते हो, या 650 F ले सकते हो, जिनका कंसिडरेबली जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कावासाकीज या डुकाटी का। तो बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है डुकाटी, BMW का बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। थर्ड रीज़न इज़ कि आई वुड सजेस्ट यू बाई सुपर बाइक ओनली इफ़ यू कैन अफोर्ड इट इन कैश। अगर आपके पास में कैश पड़ा हुआ है और अगर आप कैश खरीद सकते हो सुपर बाइक को, तभी ले लें सुपर बाइक को। सी, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, आप इसके साथ में अग्री कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बिकॉज आजकल के ज़माने में सुपर बाइक अब खरीदना बहुत ही आसान हो गया है। पहले इट वॉज़ लाइक यू नो थिंक ऑफ द इलीट पीपल, जो मतलब बहुत जिनके पास पैसा होता था वो जा करके इम्पोर्ट करवाते थे सुपर बाइक्स, खरीदते थे सुपर बाइक्स। बट अब जो है चेंज हो गया, सारा सिनारियो चेंज हो गया। यू कैन ईजिली अप्रोच अ बैंक, आपको बहुत ईजिली जो है लोन मिल सकता है, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। आप चाहो तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसको इस चीज़ का आइडिया हो, टेल यू दैट लोन्स आर नेवर अ गुड थिंग। आप जब भी कभी आप लोन ले लेते हो, चाहे बैंक से ले लो या कहीं से भी ले लो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स एक्चुअली अ ट्रैप। यू आर गेटिंग यू नो ट्रैप्ड द मोमेंट यू गेट अ लोन। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बजट नहीं है अभी सुपर बाइक खरीदने का, यू वेट कपल ऑफ ईयर्स, आप थोड़ा अपना और बजट पैसे जमा कर लो, सेव कर लो, एंड देन बाई द सुपर बाइक इन वन गो। बिकॉज मेरे कई सारे दोस्तों को के साथ में मैं देखता हूँ जो बेसिकली
काफ़ी रिलाई करते हैं ऑन लोन्स पे, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी लोन लेते हैं। फिर एट दी एंड ऑफ द डे होता क्या है, बेसिकली उनको प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए अलग लोन पे लेना पड़ता है। सो यू नो टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स इज़ अ ट्रैप, आप उसमें फंस जाओगे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपको सुपर बाइक लेना है आप लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर यू बाय इट इन वन गो। आपके पास कैश पड़ा हुआ है आप उससे खरीदो। अब बात आती है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, डू यू हैव द मीन्स टू बाय अ सुपर बाइक, क्या अगर आपके पास में पैसा है, कैन यू अफोर्ड इट नॉट अफोर्ड इट। आपको अगर कोई भी चीज़ अफोर्ड करना है, देन आई थिंक आपको अपना मेंटल गेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपना माइंड सेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर प्रॉब्ली थिंकिंग राइट नाउ, यार अभी सुपर बाइक खरीदने में और माइंड सेट में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है, जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ और आपको लग रहा है कि ये आपके बजट से बाहर की कोई चीज़ है, यू नो वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज़ आई कांट अफोर्ड दिस। वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। जब द मोमेंट यू से आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, जब भी आप ये बात बोलोगे कि यार मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, आपका दिमाग वहीं पर काम करना बंद कर देगा। बिकॉज दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स, बिकॉज देर इज़ नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड से हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। बिकॉज द मोमेंट यू से दिस कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, आप जब अपने दिमाग से ये सवाल पूछते हो ना, तो दैट्स वेन योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक, तब आपका दिमाग काम करने लग जाता है और तब आपका दिमाग जो है प्लान्स बनाने लग जाता है। ओके दिस इज़ हाउ आई कैन अफोर्ड दिस। इफ़ यू आर इन अ जॉब, आपका दिमाग वैसे काम करने लगेगा कि अरे हाँ यार मुझे अपने काम में ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, मुझे अपने काम में ऐसा सब चीज़ करना चाहिए, देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अफोर्ड अ सुपर बाइक। जो आपने कभी वो शाहरुख खान का कोट सुना होगा, अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहोगे तो कायनात पूरी लग जाएगी आपको वो चीज़ हासिल कराने में, दैट कोट इज़ बुलशिट। असल में वो कायनात पूरी लग करके आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो योर ब्रेन सबकॉन्शियसली स्टार्ट्स टू थिंक कि मैं इस चीज़ को कैसे अपना बना सकूं, और आप चाहे जाने अनजाने में ऐसे स्टेप्स ले लेते हो, ऐसे आप डिसीजंस ले लेते हो जो इवेंचुअली आपको हेल्प करता है कि उस चीज़ को अपनाने में। सेम थिंग गोज विद बाइंग सुपर बाइक्स ऑल्सो, या विद बाइंग एनी अदर थिंग इन, यू नो, इफ यू आर प्लानिंग टू बाई एनी थिंग इन योर लाइफ, द थिंग दैट यू शुड आस्क योर माइंड इज, द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर माइंड इज, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं यार इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप वैसा बोलोगे तो आप सच में कभी भी लाइफ में उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये था एक बहुत छोटा सा टिप जो मैंने सोचा, जिसने बहुत हेल्प करी है मुझे मेरी लाइफ में, मेरे डिसीजंस लेने में। आई थिंक इट्स बीन अ क्रूशल पॉइंट। और ये कोई जो टिप मैंने आपको बताया, इट्स नॉट माय पर्सनल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में लेकर के जो मैं आपको ये टिप्स दे सकूँ। मैं ये चीज़ें जैसे कहीं पर पढ़ता हूँ, कहीं से सुनता हूँ, तो तब आपके साथ में शेयर करा है मैंने ये टिप। सो दिस टिप इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस, दिस इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय एक ऑथर है जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। आई एम नॉट श्योर अगर आपने उसकी बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। सो उस बुक में बेसिकली इज टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई फेल इन लव विद दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स सो सिंपल। आप अपने दिमाग को बोलोगे यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, योर ब्रेन स्टॉप्स टू थिंक राइट देयर। वो बोलता है कि ठीक है नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। जहाँ पे आप बोलते हो मैं कैसे अफोर्ड करूँ, दैट्स व्हेन योर ब्रेन स्टॉप्स टू थिंक। एंड योर बॉडी, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपको जैसे कभी नोटिस करा हो, जैसे पानी का मोटर नहीं होता जैसे हम लोग पानी चढ़ाते हैं घर पे, अगर वो 10 हॉर्स पावर का मोटर आप लगाओ और उस 10 हॉर्स पावर के मोटर पे आप 12 हॉर्स पावर का लोड डाल दो, तो वो मोटर जल जाएगी। ठीक है, एवरीबडी नोज दिस, आई मीन यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अगर आपके पास 10 हॉर्स पावर की मोटर है, उस पर आपने 12 हॉर्स पावर का लोड डाल दिया, तो वो मोटर जल जाएगी। बट योर बॉडी इन द सेम वे, अगर आप अपनी बॉडी से, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी जो है 10 हॉर्स पावर की है, और उस बॉडी पे आप 12 हॉर्स पावर का जो है लोड डाल रहे हो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, योर बॉडी इज गोइंग टू अडैप्ट, योर बॉडी इज गोइंग टू बिकम 12 हॉर्स पावर। तो गाइज आज का वीलॉग बहुत छोटा वीलॉग था, बट थोड़ा सा डिफरेंट था। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, मैं काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था इस चीज़ को लेकर के, आई वॉज
यू नो वॉन्टिंग टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू गाइज. आई होप कि आज के वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ बेनिफिट मिला होगा. और अगर मिला तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.